की सफाई को लेकर 63 नालों को आइडेंटिफाई किया गया है, 53 नालों की सफाई हो गई है, बाकी नालों की भी सफाई जारी है और लगातार अभी बारिश को लेकर, नालों को लेकर जहाँ जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ा भरान का एरिया है वहाँ वहाँ नाले को बहुत, मैं स्वयं भी जा रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई करके उसको साफ़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी एक मशीन, एक मोटर पंप भी लाया गया है जो पहले हमको पानी खाली करने का जहाँ हमको 4-5 घंटा लगता था, अब मात्र वहाँ 4 से 5 मतलब आधे घंटे में वो जगह पूरी तरीके से खाली हो गई। तो मुझे लगता है कि इस बार वैसे भरान वाली स्थिति इस बार रायपुर में देखने को नहीं मिलेगी। और पानी गिरता है तो पानी तो जमा होगा क्योंकि बारिश है, पानी गिरता है तो पानी तो जमा होगा, मगर पानी अगर रुका हुआ है तो मतलब नाला गंदा है, साफ नहीं हुआ, पानी अगर बह जाता है तो फिर वो है उसमें फिर वो नहीं है। मगर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भरान की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न ना हो। जो जगह हम लोग करीब आइडेंटिफाई किए हैं, बहुत जगह 13-14 जगह है जो बहुत डेंजर जोन है जिसको हम मानते हैं, तो वैसी जगह में पूरी तरीके से तैयारी की गई है। इस बार रात के लिए भी एक अलग टीम बनाई जा रही है, जब दिन में पानी गिरता है तो ठीक है मगर रात में पानी गिरता है उसको कोई नहीं देखता, तो रात के लिए भी इस बार टीम बनाई गई है। रात में जो सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक की इसकी पूरी तरीके से निगरानी करेगी।